गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। टुडे 5 फरवरी 2019 ट्यूसडे है, 8:02 हो रहे हैं। कल हमने देखा पहला ट्रेडिंग सेशन था बजट सेशन के बाद, तो सुबह में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट बंद होते होते फिर से रिकवर हुआ निफ्टी इंडेक्स और हरे निशान में बंद हुआ। तो क्या आज हो सकता है, क्या ये बुल रैली में कन्वर्ट होगा या फिर से यहाँ पर प्रेशर दिखाई देगा? देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज के लिए। लेकिन उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम हर रोज सुबह ये निफ्टी एनालिसिस का वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें हम इंट्राडे लेवल्स डिस्कस करते हैं और ये सुबह 8:30 के आसपास पब्लिश होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बाजू में जो बेल आइकन है उसे अगर प्रेस किया है तो आपको मार्केट आर्स के पहले अराउंड 8:30 इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। कल जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया था, ये एक पिक्चर है कल का, यानी 4 फरवरी 2019 आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर निफ्टी टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 10,949 और फर्स्ट टारगेट था 10,980, और अगर साउथ की तरफ बढ़ता है तो ब्रेकडाउन लेवल था 10,864 और फर्स्ट टारगेट था 10,836। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन के राइट साइड का कैंडल स्टिक हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 10,836 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ और यहाँ पर एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया, पेनेट्रेट हुआ ये लेवल और उसके बाद में एक थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर देखने को मिला। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अराउंड 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो 18,750 के आसपास हमें यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के स्ट्रैटेजी, कल का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। कल अमेरिकी बाजार में शुरुआती में प्रेशर देखने को मिला, बाद में जबरदस्त वहां पर बढ़त देखने को मिली। डाउ जोन्स 175 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, नासडैक भी हरे निशान में बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो हल्के से प्रेशर में दिखाई दिए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो वहां पर मिला जुला कारोबार दिखाई दे रहा है। निकेई 10 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि चाइना मार्केट में 33 पॉइंट और हांगकॉन्ग मार्केट में 59 पॉइंट के बढ़त देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 36 पॉइंट की गिरावट वहां पर देखने मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, फिर डेली चार्ट में जाएंगे, फिर आर्ली चार्ट देखेंगे। ठीक है, ये है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रेंज बाउंड मूवमेंट में है। ऊपर 10,882 ये कई दिनों से रेजिस्टेंस, एक हर्डल का काम कर रहा है। लास्ट वीक इसके जस्ट अबाउ ये क्लोज हुआ है। अभी ये सिग्नल मिला है कि यहाँ से अपवर्ड जर्नी निफ्टी इंडेक्स दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर और कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर अगर बनता है और 2 टाइम्स इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हमें फिर से एक बार 11,000 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल सपोर्ट के लिए ये 20 EMA 50 EMA सपोर्ट का काम कर रहे हैं। 20 EMA अराउंड 10,800 के पास है और 50 EMA अराउंड 10,694, यानी 10,800 और 700 ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं और ऊपर में 10,900 और ये जो हाई लगाया है लास्ट टाइम का 10,985 ये हर्डल का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है कंफर्टेबली तो हमें 11,089 के लेवल्स फिर से एक बार दिखाई दे सकते हैं। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं, कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ। इनसाइड बार ट्रेडिंग यानी जो फ्राइडे का हाई और लो बनाया था उसके अंदर ही ये ट्रेड हुआ। ठीक है, यहाँ पर हाई भी नहीं ब्रेक हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा बुल्स और बियर्स में कंफ्यूजन है। ये हाई और ये लो अगर क्लोज होता है तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल पैटर्न ऐसा बन रहा है कि जो यहाँ पर 20 के नीचे 50 और 100 को पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर रहा है, 50 100 को पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर रहा है,
तो ऐसा सब जैसे सिनारियो पास्ट में आता है, 50-100 को क्रॉस ओवर करता है 20 EMA के नीचे, तभी एक करेक्शन दिखाई देता है। पास्ट में ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, अभी ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो हमें प्लान ए और प्लान बी के साथ रेडी रहना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ मूव होता है तो यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनेगा, क्योंकि 20-50-100 असेंडिंग ऑर्डर्स में बन जाएंगे, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 20-50-100। और जब ऐसे उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तभी हमें एक अपवर्ड जर्नी दिखाई देती है। तो ऐसा पैटर्न भी यहाँ पर बन सकता है, अगर हाई को कंफर्टेबली अगर ब्रेक करे, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ठीक है। हालांकि अभी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है इस थर्सडे को, तो वहां पर एक ट्रिगर हो सकता है, अगर पॉजिटिव आता है तो हमें अपवर्ड जर्नी दिखाई दे सकती है, अगर निगेटिव सेंटिमेंट्स अगर दिखाई देते हैं तो हमें यहाँ से फिर से एक बार टुवर्ड्स साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो 20-50-100 ये दोनों ही आसपास है, अराउंड 20 EMA 10,800 के पास है, और ये 50 और 100 10,780 के पास है। तो यहाँ पर इस जोन में सपोर्ट है, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं आर्ली चार्ट में। लेकिन उससे पहले 2 आर्ली चार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2 आर्ली चार्ट यानी 120 मिनट का एक कैंडल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये अभी फिलहाल राइट शोल्डर बन सकता है। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस है, ये पॉसिबिलिटीज है। और ये इस अगर नेक लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, इस नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली, तो हमें ऊपर अपवर्ड जर्नी दिखाई दे सकती है। हालांकि ये साइडवेज पैटर्न में ये फॉर्मेशन बना है, पैटर्न बना है, तो काफी मुश्किल हो सकता है ऐसा पैटर्न क्रिएट होने में। इस नेक लाइन का अगर कंफर्टेबली ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें ऊपर आने वाले कुछ दिनों में नए लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में, ठीक है। तो यह है 2 आर्ली चार्ट का सिनेरियो, 120 मिनट की एक कैंडल है, और यहाँ पर भी देखे तो पैटर्न 20-50-100 ऑलमोस्ट यहाँ इंट्राडे चार्ट में बन चुका है, जो कि बुलिश पैटर्न है। और चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं क्विकली। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो यहाँ से फॉल आया था आज पर आर्ली चार्ट, अगर ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है, यानी 10,955 ये लेवल अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,984, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,000, यानी ऑलमोस्ट 10,998, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ मूव करता है तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 10,884, ये कंफर्टेबली अगर साउथ की तरफ ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,848, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट ये जो 20 EMA का लाइन है, ये अभी फिलहाल 10,840 के पास आ रहा है, तो 20 EMA हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे स्ट्रेटेजी निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।